हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर फाइनली जिसका काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि कब A&M की मेरिट लिस्ट आएगी, तो फाइनली A&M की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पर अस्थायी रूप से, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अस्थायी रूप से 2700 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर चयनित हो जाएंगे, अस्थायी रूप से किया गया है। अगर ये आगामी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। तो यहाँ पर 2700 स्टूडेंट को चुना गया है। यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टूल होता है, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, अपना नाम डालकर या फिर फादर्स नेम डालकर इत्यादि अपना आसानी से अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है। यहाँ पर प्रोविजन लिस्ट आप 2160 फीमेल स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर ये देखिएगा 2700, यहाँ पर 2160 फीमेल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो इस प्रकार आप अपना डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम इत्यादि डालकर अपना नाम इस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। मेरिट की बात करें तो यहाँ पर लगभग कुछ कम मेरिट गई है, लेकिन अगर टॉप वन देखें तो KM मंजू 95.50, ये देखिएगा बहुत ज़्यादा मेरिट, जो कि स्टेट रैंक एक इनने अचीव की है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में तो देखेंगे तो लगभग GNM की मेरिट लिस्ट के लगभग बराबर ही है, लेकिन उसके बाद कुछ कम हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 1802 स्टूडेंट का 82%, अगर कह सकते हैं कि सब स्टूडेंट का 75 से प्लस मेरिट ही गया है। ये देखिएगा यहाँ पर 80.61 2700 में जो स्टूडेंट है रागिनी तिवारी, उनका 80.61% है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी आपकी रैंक है, रैंक देख सकते हैं, और उसके बाद अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आगामी जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी, आप बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे कि सर इसमें कितने स्टूडेंट का हुआ, कैटेगरी वाइज होगा, जो भी होगा, तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। इंतजार करिएगा कि यहाँ पर कितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सिलेक्शन होगा, कितने OBC का होगा, कितना SC का होगा, कितना ST का होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर OBC कैटेगरी के दिख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर EWS कैटेगरी दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे EWS कैटेगरी या सारे जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका किस आधार पर सिलेक्शन होगा, उस पर भी डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, इंतजार करिएगा। लेकिन अपना नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।